गाइस, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। तो जी चलिए, ये वीडियो है, कल मॉर्निंग का है। कल मैंने वीडियो नहीं डाला था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि एडिटिंग वगैरह करूँ, क्योंकि शाम को काम इतने सारे हो गए थे और घर के काम में फिर बिजी हो गई, मैं थक गई, फिर मेरा मन ही नहीं करा कि मैं कुछ एडिटिंग वगैरह करूँ। तो ये कल का ही था, कल मॉर्निंग में कुंदरू और आलू की सब्जी बनाई थी, जो कि बिल्कुल सिंपल सी सब्जी थी, बट बनी बहुत टेस्टी थी। बिल्कुल देसी स्टाइल से हींग जीरे में छोंक दी थी और बस इसको लोहे की कढ़ाई में बनाया था। और लोहे की कढ़ाई में तो वैसे भी कोई भी सब्जी अगर अच्छे से बनती है और भुनती है ना, तो उसका एक जो टेस्ट होता है ना, वो भाई कहना ही क्या उस टेस्ट का। तो यहाँ पे खाने में आज बना था कि आलू परमल की सब्जी, एंड ये मिर्च मैं छोंकूंगी, जो कि बहुत अच्छी लगती है, हरी मिर्च है और ना बारीक वाली छोंक रही हूँ, तो आमी कच्ची आमी ज़्यादा डाल दूँगी। और इसको जो है मैंने धो के काट के रख रखा था, और इनको काटने में ना मुझे आधा घंटा के करीब आधा घंटा लग गया था, क्योंकि मैंने कुंदरू भी काटे और ये मिर्चें और इन सबको काटने में काफ़ी टाइम लग गया था। और सुबह के टाइम तो आप लोगों को पता है वैसे ही टाइम की इतनी शॉर्टेज होती है, इतने सारे काम होते हैं, और उसी बीच जब हम ये काटने पीटने वाले काम जब जब बढ़ा लेते हैं ना, तो भाई बहुत ज़्यादा एक वो होता है कि भाई पहले ये काम ख़त्म हो तभी जाके सब्जी हमारी बन पाएगी। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ थोड़ी सी हल्दी डाली है, सूखा धनिया डाला है, और आप चाहे तो हल्का सा अमचूर डाल सकते हैं, वैसे अमचूर की कोई नीड नहीं है, नमक डाला है, क्योंकि कच्ची आमी से ही मिर्चें जो है हमारी वो खट्टी हो जाएंगी। तो चलिए, इधर जो है मैंने रात को मैं सब्जी लेकर आई थी, तो ये मैंने नींबू मिर्च वगैरह ना सबको वॉश करके रख दिया था, और इनको अब मैं एयर टाइट डिब्बों में जो है बंद करके रख लूँगी। अच्छा, नींबू को आप एयर टाइट डिब्बों में रखो और मिर्ची को भी, तो कभी भी मिर्चें जो हैं बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। जैसे बाहर टोकरी में रखी हुई जो मिर्च होती है ना, वो सूख जाती हैं, और अगर ऐसे हम बंद करके रखते हैं ना, तो बिल्कुल मतलब काफ़ी दिन तक चलती हैं और बिल्कुल फ्रेश निकलती हैं। तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें मैंने कट करके रख दी थी, और अब बारी आती है फ्रूट कटिंग की, जो कि सुबह ही मैं काट के रख देती हूँ। बच्चे जो हैं अपना जब मन करेगा ना वो खा लेंगे, वरना क्या होता है फ्रिज में रखे रहते हैं फ्रूट और सबको मैं ही काट के दूँ तभी बच्चे खाएंगे, वरना नहीं खाते। तो इसीलिए मैंने जो ये फ्रूट वगैरह का काम करके, और जो जितना भी कूड़ा इकट्ठा होता है ना, सबको पॉलीथीन में बांध के जो है मैंने बाहर रख दिया था, क्योंकि ये खरबूजे हो गए, तरबूज हो गया, इनका ना कूड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए, अब बारी आती है हमारी किचन क्लीनिंग की, जो कि अब स्टार्ट हो रही है। मैंने थोड़ी सी मिक्सी आज साफ़ करी है, क्योंकि मिक्सी ना मुझे थोड़ी सी गंदी दिख रही थी, और जब कोई भी चीज़ मुझे गंदी दिखती है ना किचन की, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई सबसे पहले उसी चीज़ को जो है मैं साफ़ कर लूँ, बाद में कोई काम करूँ। तो चलिए, यहाँ पे ना मेरा जो किचन में काम था, खाना वगैरह रेडी हो गया था, सब्जी बन गई थी, मिर्च सूख गई थी, और साथ के साथ जो है मैंने बर्तन खाली भी कर लिए थे, और शायद मैंने इस टाइम तक मांझ भी दिए थे। अब मेरी जो बारी है ना, वो किचन क्लीन करने की है, क्योंकि तो सबसे पहले देखो, जब किचन का खाना वगैरह सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है, क्योंकि दोपहर में रोटी बनाने का काम रह जाएगा, तो वो मैं जब पूरे घर की क्लीनिंग हो जाएगी ना, तब बनाऊंगी। बट उससे पहले जो होता है ना, मैं एक बार मॉर्निंग में जो होता है पूरी रसोई को ऐसे क्लीन कर दो कि भाई पूरा दिन जो है हमें आराम रहने वाला है। अब जब दोपहर में रोटी बनेगी ना, तो सिर्फ मेरे को गैस ही गैस साफ करनी रह जाएगी, या जिस जगह पर रोटियाँ बनेंगी वो जगह, वो एरिया क्लीन करना रह जाएगा। तो चलिए, अभी फटाफट से जो पूरा शेल्फ था मेरा, पूरा क्लीन हो चुका है, आप खुद देख सकते हो, बिल्कुल एकदम चमक गया सारी चीज़ें। और साथ के साथ ना, जैसे टाइल्स पे भी कपड़ा मार दो तो कभी भी हमारी रसोई की टाइल जो है वो गंदी नहीं होने वाली। तो यहाँ पे जो है पूरा जो मैंने ये क्लीन करना था ना, सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं, और पूरी रसोई साफ़ होने के बाद जो फाइनल जो बारी होती है, वो होती है कैबिनेट वगैरह क्लीन करने की। तो अभी फटाफट से इसको भी क्लीन कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है मेरे को फ्लोर साफ़ करना रह जाएगा। तो अभी सुबह के टाइम इतने सारे काम थे, बट उससे पहले जो है मैंने ये पूरा जो आप देख सकते हो ना, रसोई का काम जो होता है सबसे ज़्यादा टाइम ले लेता है हमारा, तो वही काम करने में लग रही थी। और हाँ, फिर दूसरी बात आ जाती है सिंक वगैरह को साफ़ करना है। सिंक ये भी देखो, अगर एक घर की हम पूरे की सफाई कर रहे हैं और सिंक की, जैसे रसोई की कर रहे हैं ना, सिंक भी रह जाती है, तो ये बहुत गंदी लगती है। तो इसीलिए सिंक वगैरह भी अभी साथ के साथ ही एक बार को साफ़ कर लेती हूँ मैं फटाफट से।
आज मेरे को करना था मम्मी जी के रूम की जो है मेरे को डीपली वाली क्लीनिंग करनी थी। तो अब क्या होता है कि जैसे हमें कोई भी एक्स्ट्रा काम करना होता है ना, तो सबसे पहले अगर हम रसोई का काम अपना ख़त्म कर लें, कपड़े धोने का काम ख़त्म कर लें, उसके बाद जो है घर के और जो ये वाले काम है ना इसमें लगे रहें, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती हमारी। तो यही चीज़ थी कि मैंने पहले अपने घर के जो बाकी के काम थे, चाहे मुझे कपड़े धोने हैं या नाश्ता देना है बच्चों के लिए, उनको चाय कॉफ़ी जो भी कुछ पीते हैं, तो ना यहाँ पे ना मेरी थोड़ी दीवार पे जो है बच्चों ये जैसे बॉल वगैरह खेलते हैं ना हाथों के निशान लगा देते हैं, तो हल्की सी गंदी हो रही थी। तो मैंने इसको जो है सारी वॉल को जो है अपना वाइपर में पोछा, धुला हुआ पोछा लेके जो है पूरे रब कर दिया है अच्छे से, और जो भी धूल मिट्टी वगैरह जो लग रही थी ना वो सारी की सारी जो है साफ़ हो गई है। तो आप देख सकते हैं जैसे अभी जैसे धूल मिट्टी वाला मौसम चल रहा है ना, और हल्की सी ऐसे क्लीनिंग करने से जो हमारी दीवारें हैं वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई, बिल्कुल धूल मिट्टी जो थी वो कुछ नहीं दिख रही थी। अब जो है ये जो थोड़ा सा ये जो पैनल है ना इसको क्लीन कर देती हूँ। अच्छा, गर्मी में घर के कामों को करने में देखो हालत तो बहुत ख़राब हो जाती है। एक तो मतलब गर्मी इतनी हो रही है, ज़रा सा काम करो आपको पसीने ही पसीने लगते हैं, ज़रा सा कोई मतलब एक तो यहाँ है कि फ़ैन बंद करके क्लीनिंग करनी पड़ती है, और फिर दूसरी बात है क्योंकि फ़ैन चालू होता है ना तो ये ट्राईपॉड हिलता है और फिर वीडियो जो है ठीक से नहीं बन पाती। अच्छा, इधर जो है मैंने कमरे की पूरी डस्टिंग वगैरह सारी निपटा दी है। अब जो है बेडशीट बदलने की बारी है, तो आज मम्मी जी के रूम की पूरी बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें धो दूंगी और बिल्कुल रूम जो है एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और इसी के साथ जो है इस वाले रूम के भी आज ना बेल्कनी भी साफ़ नहीं हुई है तो वो भी साफ़ कर दूंगी। अच्छा, मैं ना मशीन का जो पानी होता है वो निकालती नहीं हूँ जब तक जो है पूरी सफाई नहीं हो जाती, क्योंकि जब भी मैं किसी भी रूम में जाती हूँ ना कुछ ऐसा कपड़ा या ऐसी चीज़ निकल ही जाती है जो कि मशीन में धोने वाली होती है। तो बस इसी वजह से जो है कि अभी मशीन लगी हुई है तो कपड़े जो हैं जो भी बेडशीट वगैरह उतरेगी ना वो साथ के साथ जो है मैं डाल दूंगी। अब ये जो सिराने पर जो स्टूल था ना इसके पीछे भी ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, क्योंकि ये वाली चीज़ जो होती है ना हम रोज़ हटा कर जो है साफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको साफ करने के लिए वही है सामान हटाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और रोज रोज ऐसी वाली सफाई होती भी नहीं है। हाँ, हफ्ते में आप कर सकते हो, 15 दिन में कर सकते हो। तो अभी ये स्टूल वगैरह हटा के जो है पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर दी, और यहाँ जो बेडशीट थी वो मैं जो है मशीन में डाल आई हूँ। तो उधर मेरी मशीन भी लगी हुई है तो मशीन में साथ के साथ जो है बेडशीट जो है धुल के साफ हो जाएगी। तो चलिए, इधर बेडशीट भी धुल गई है, अब जो बारी है ये जो धुली हुई बेडशीट बिछा देते हैं। और एक चीज़ होती है कि आप जब भी सफाई आपकी आप कितनी मर्जी कर लो, मगर जब हमारी चद्दर बिछती है या सोफे के कवर बिछाते हैं, कुछ भी चीज़ बिछाते हैं ना, तो उसके बाद जो रूम की लुक आती है ना वो एकदम निकल के आता है कमरा के, हाँ अब अच्छे से जो है क्लीन लग रहा है, सारी चीज़ें जो हैं अब ठीक हुई हैं, अच्छे से साफ़ सुथरी हुई हैं। तो इधर जो है आप धुली हुई बेडशीट बिछा दी है, पिलोज रख दिए हैं, तो जो मम्मी जी के कपड़े थे ना सारे धुलने वाले वो मैंने उठा के मशीन में डाल दिए हैं। अब जो है थोड़ी सी डस्टिंग जो है इसकी जो ये पैनल है ना इसकी कर देती हूँ, क्योंकि वैसे तो देखने में साफ़ ही लग रहा था, मगर धूल का क्या है कि कण जो छोटे छोटे से कण होते हैं ना वो हर जगह पहुँच जाते हैं। आपको हमें लगेगा हम रोज़ सफाई कर रहे हैं, आज करिए रात को करिए, बट नेक्स्ट डे जो होता है ना फिर वहीं पर वही धूल जो है आपको जमी हुई दिखनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी है, ड्रेसिंग भी साफ़ कर दिया है। तो बस अभी फ़िलहाल जो है इसके ऊपर जो है जो भी सामान रखा था वो रख दूंगी, और ये जो पूरा पैनल है मेरा हो गया है क्लीन। तो देख सकते हैं आप लोग कि इस कमरे की हो गई आज डीप क्लीनिंग, जो कि मैं कई दिन से सोच रही थी, और आलस आलस महीना ये चीज़ें मेरी रह जाती है, मैं रोज़ यही सोच रही कि चलो कल कर देंगे परसों कर देंगे, और ये छोटे छोटे से काम करने में ना बहुत आलस आता है कभी। अच्छा, काम करने में क्या होता है ना, जब मन बना होता है तभी काम करने में मज़ा आता है, तो इसीलिए जब तक अच्छे से अंदर से मन नहीं हो रहा था ना तब तक कोई काम करने का मन ही नहीं होता। तो यहाँ पे जो है ये पूरी अलमीरा पे भी मैंने जो है वाइपर की हेल्प से जो है पूरी अलमीरा को साफ कर दिया है, जो भी इस पे भी डस्ट वगैरह लग रही थी ना तो ये हो गई है साफ। और इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के वीडियो कहीं पे एंड, और होप करती हूँ अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे जो है देखो कमरा पूरा साफ हो गया है, अब जो बैल्कनी है उसको भी साफ कर लेते हैं, जब पूरा रूम ही क्लीन करा है तो डोर्स वगैरह भी क्यों ही छोड़ी जाए, सारी इधर की भी डस्टिंग कर दी, इधर की भी कर दी। अब ये वाला गेट रह गया था ना जो साइड वाला था, तो उसको भी मैं अभी पोंछ दूंगी, और पूरा रूम हो गया है क्लीन।